आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही। ऐसे उनको याद रोज आती थी, पर होते ना कि जब आपके परिवार में से कुछ लोग बाहर काम करते हैं या बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको याद रोज करते हैं, पर किसी किसी दिन बहुत याद आती है। ऐसा लगता है आज वो मिल जाए या आज वो दिख जाए। आज भगवान के लिए वही दिन था, उनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई तो दिख जाए। तो भगवान कमरे में क्यों आए? क्योंकि भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो वहां के खड़े हो गए, उनको लग रहा है आज मुझे कोई दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई तो दिख जाए मुझे। थोड़ी देर बाद शाम का समय, भगवान को आए अब समय हो गया थोड़ा, तो नए ग्वाले आ गए हैं। तो सामने से कुछ ग्वाले गैया चराकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे होता है ना बड़े होने के बाद जब अपने पुराने स्कूल जाओ तो कई कोने देख कर ऐसा लगता था यहाँ हम बैठते थे, यहाँ पे खाते थे, यहाँ मित्रों के साथ, यानी वो चीजें आपकी आंखों के सामने आती है। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं श्रीदामा अमुद मंगल मधु मंगल हम सब गैया चराकर घर लौटते थे, कितना आनंद आता था। और भगवान उस वक्त ऐसा यादों का भाव उठा, एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहाँ है। और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे बलदाव भैया जल्दी चलो आज तो बड़ी देर हो गई। पर जब उनका ध्यान भटकता है तो उनको समझ आता है कि वो कहां है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, यानी वो इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी है, उन तक आवाज जा रही है उनके रोने की। उद्धव जी दौड़ते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया, हर वक्त उनके दरवाजे पर कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते तुम्हें पता है एक दिन में गैया चराकर घर थोड़ी सी देर से लौटा, बस थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है मैं उस दिन के बाद घर कभी देर से नहीं गया, आज मुझे यहां आए कितना समय हो गया है, मेरी मां कैसे रह रही होगी वहां मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगो युगो तक किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जान मूट के जूतियां नहीं पहनते थे। नंद बाबा एक कारण से रोजाना घर से निकलते वक्त जूतियां पहनते नहीं थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे क्योंकि यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगता था वो बिना जूतियों के जाए, तो वो थोड़ा सा चिल्लाती थी, तो भगवान देखते थे ये रोज। तो भगवान ने फिर क्या किया कि नंद बाबा जब भी घर के बाहर जाकर बिना जूतियों के जाते तो भगवान उनकी जूतियां, भगवान भी छोटे थे और जूतियां भारी थी उस वक्त, तो वो जूती अपने सर पर ले, मैया भर जाएगी ना जल्दी से पहन लो, और भगवान अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाते थे। तो ये दो तीन बार हुआ, ये होने के बाद वो दृश्य इतना सुंदर होता था कि नंद बाबा रोजाना यही करते थे, जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाके खड़े हो जाते थे कि अब थोड़ी देर में आएगा सिर्फ एक दृश्य के लिए। भगवान कहते हैं मैं दावे से कहता हूं मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है
तुम्हें पता है यशोदा मैया ने मुझसे एक दिन कहा, कन्हैया तू क्यों चोरी करता है उनके यहाँ? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनका नुकसान कर देता है, अरे क्या खाएंगी वो उस दिन? तो मैं कितने दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद सबकी सब घर आ गई, आकर कहती, अरे कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो, असल में गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया घर छोड़कर चला जाएगा। तुम भोजन करने की बात कहती हो, अरे वो भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये घर में चोरी करने नहीं आता। कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया घर पे? कभी मत कहना हम गरीब हैं। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। देखिए यहां इस छोटे से प्रसंग को सुनकर कितनों की आंखों में आंसू है। उद्धव जी पे कोई असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते तो इसमें इतने रोने की क्या बात है? इतना ही था, आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है? बोले वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही मक्खन बेचना काम है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा, मैंने भी यही काम किया है जिंदगी भर, गैया चराना दूध दही मक्खन बेचना। वो कहे भगवान आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हाँ, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया और गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझाओ कि ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। पर जाने से पहले भगवान उनको अपना वस्त्र देते हैं, अपना पीताम्बर देते हैं, कुंडल देते हैं, मुकुट देते हैं, मालाएं देते हैं। उद्धव जी का इनकी क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनसे एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, इसकी सुगंध से उनको लगेगा कि मैं वापस आ गया, तो वो तुमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं और यहां पर एक छोटी सी लीला बताई गई है। ये बड़े बड़े संत हैं जो ब्रज के, वो बताते हैं कि ब्रज रज की महिमा क्या है। जब उद्धव जी प्रवेश कर रहे थे, जो ऐसे उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, शाम का समय था, तो ब्रज धूली उड़ रही है, तो वो उनके मस्तक पर बैठती है, तो सामने वो देख रहे हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं। और अचानक उद्धव जी को उन ग्वालों के बीच कृष्ण और बलराम दिख रहे हैं। कि भगवान कभी गैया के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी किसी ग्वाले के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, कभी किसी को छेड़ रहे हैं, और उनको अटपटा लगा तो वो ध्यान हटाते और फिर लीला अदृश्य हो जाती। तो यहां पर जब ये संत ये प्रसंग सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रजराज की महिमा है। ऐसे ही नहीं है कि आज भी बड़े बड़े संत ब्रज में जाके मिट्टी में लोटपोट होते हैं, वृक्षों से आलिंगन करके रोते हैं, दीवालों को छूते हैं। क्यों? उन्हें लगता है नहीं पता किस रास्ते से भगवान चल कर गए। आपको क्या पता इतनी देर से जिस दीवाल पर अब हाथ रख के खड़े हो, उस दीवाल पर भगवान हाथ रखकर खड़े हुए हो। लीला तो हुई है ना वहां, ऐसी कितनी जगह होगी जिसको शायद छेड़ा भी तक नहीं गया होगा, तो वो स्थान होंगे जहां भगवान खड़े हुए होंगे, भगवान बैठे होंगे, भगवान हाथ रखे होंगे। उद्धव जी ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कुछ गोपियां जा रही थी, तो उन्होंने उनको आवाज लगाया, कह रहे सुनो नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरा वासी पूछते,
बाकी तो ब्रज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कि कृष्ण कहाँ रहता था। गोपियां कहती है, जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ चले जाओ। ये जल की धारा जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। जैसे ही उद्धव जी थोड़ा चलने लगते हैं कि गोपी पीछे से आवाज लगाती है, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जो तुम मथुरा वासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं ये वो जल है। इतना रोए हैं वो भगवान के जाने के बाद। अब वो जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंद राय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंद राय। भगवान ने उनके निकलने से पहले उनको सबका हुलिया बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, यशोदा मैया। हुलिया से वो इतना भी मेल नहीं खा रहा, इतने बदल गए हैं। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं है। ठीक है, बैठाते हैं घर के अंदर। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं, लेकर आता हूं, घर में कुछ नहीं है। अब नंद बाबा बाहर भोजन लेने गए हैं तो उद्धव जी उनके घर का जो रसोई घर है वो देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, भोजन कराते हैं। अब दोनों के बीच बात शुरू ही होने वाली है कि इतने में कमरे से यशोदा मैया निकलती है। जैसा मैंने कहा, उद्धव जी को कोई दूर से देख ले तो उनको क्या लगता। एक बार के लिए वो जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते, कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती, जब कन्हैया छोटा था ना, जब भी रोता था मैं अपने सारे काम छोड़ देती थी, कितना भी जरूरी काम मैं छोड़ देती थी। क्यों? वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माँ कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने आपके लिए एक संदेश भेजा। जब भगवान नए नए आए थे ना पहली बार, तब देवकी माता और यशोदा मैया के बीच एक बार वार्तालाप हुई थी कि कैसे रहता है, क्या खाता है, मैं क्या करूं उसके लिए, उसका रहन सहन कैसा है, ये जानने के लिए। तो अब दूसरी बार देवकी माता ने एक संदेश भेजा है उद्धव जी के थ्रू। तो वो कहती है, देवकी माता ने कहा कि यशोदा, धन्य है तेरे लालन पालन को, पर तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर घूमता रहता है। यहां तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता, शैतानी करना तो दूर, मैंने कृष्ण को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि वो खुल के हंसता कैसे। देवकी माता कहती, तूने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन कराती थी। यहां पर एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था उस दिन वो थाली छोड़कर चला गया। भगवान कमरे में जाकर कहते उद्धव जी से कि उद्धव, देवकी माता को कहना मेरे थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, वो मुझे खिलाती थी ये सब, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, ये सब मत करो। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, वो बेहोश हो गई।
नंद बाबा उनको कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहते हैं इतनी देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। नंद बाबा कहते वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, तो इसको आज भी लगता है वो किसी के घर चोरी करने गया और उस व्यक्ति ने उसको घर के अंदर बांध के रख लिया है। तो हर घर जाके माफी मांग रही है कि मुझे पता है वो शैतान है, अरे उसको वापस कर दो, मैं घर में बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस कर दो बस। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या, अरे वो दिखे तो उसको बोलना, उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से बात करती है तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी ना, वो कहाँ है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने यहाँ लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है। वो लीला करने आया था तो ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का पुत्र है, ना उसका किसी से रिश्ता है। आप ज्ञान से प्राप्त करिए उसको, परमेश्वर मान के प्राप्त करिए उसको। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो तुमको कोई बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा, वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, भगवान के एक ढंग नहीं है उसमें, एक लक्षण नहीं है भगवान के। अरे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उसके पास, जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने अपने बेटे को भूख से बिलखते हुए देखा, वो तब तक रोता जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान, अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है, भगवान से गलती हो सकती है। नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कारा कहां से आ गया, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता, वो आकर यशोदा से कहता कि मैया कह दे जा मरी से कि मैं तेरो छोरो। तुम कहते हो भगवान है। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कही कि इसके बाद उद्धव जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते हैं और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कह देना मेरी विरह वेदना कम कर देगा। विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दर्द, कि मेरी विरह वेदना कम कर देगा। अरे आज तक तो मैं ये मान के चल रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई लड़के होते हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, कि मैं आज तक ये मान रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, पर भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूंगा। पर तुमने क्या बता दिया, तुम्हारी बात के अनुसार मेरा घर भगवान छोड़ के चले गए, ये क्या कह दिया। आज 6 दिन से आपको यही समझाया जा रहा है कि दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ेगा, इसके भरोसे रहो, ये आखिरी उम्मीद है आपकी। तो आपकी आखिरी उम्मीद कौन है, भगवान। उद्धव जी ने नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। वो कहते अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं, तुम ज्ञानी ही कहते हो ना कि भगवान पर भरोसा रखो, अरे भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए, अब इस घर में रखा क्या है। नंद बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए,
उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर गए कि चार पांच गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहती है, अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी कहती है, तुझे याद नहीं, अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, मथुरा का रथ था। तो बोले, अब क्या लेने आया है? बोले, वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया हूं। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले, दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसे जाते हैं। तो बोले, मांस भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले, ये मथुरा वासी बड़े चालाक है, वो कहे कि ये मथुरा वासी बड़े चालाक है, इनको पता है कि जब से कृष्ण गया है ब्रज में सब मरे हुए घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। तो मरे हुए में का हृदय निकालना कौन सी बड़ी बात है, और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि भाई जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो गोपी कहती है, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो दे दोगे? क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा, वो हृदय देखकर समझ जाएगा ये किस गोपी का हृदय। हम उसके पास नहीं जा सकते, वो हमारे हृदय ही देख ले कि हमें कितनी पीड़ा हो रही है, कैसे भाव है। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान का भजन करने बैठती है पेड़ के नीचे, खूब मना रही है, खूब रो रही है कि दर्शन दे दे भगवान, भगवान नहीं आ रहे। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, पर भगवान नहीं आ रहे। तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, बहुत आवाज कर रहा था बार 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 बार, तो उसको क्रोध आ रहा है। अब भगवान पे क्रोध उतार नहीं सकती, तो वो कौवे से एक बात कह रही है, बहुत सुंदर दोहा है उनका। मीराबाई कहती है कि काढ़े कलेजो कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। कि तुझे भूख लग रही है इसलिए चिल्ला रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो जादे सामारो पिया बसे वो देखे तू खा, कि जादे सामारो पिया बसे वो देखे तू खा। यहां नहीं खाना, उसके सामने ले जाके खाना, उसको पता चले पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। ऐसे भाव आज गोपियों के कि वो भगवान से मिलने के लिए कलेजा निकाल कर देने को तैयार है, लेकिन उनको मिलना है बस एक बार। अब उद्धव जी उनके पास आते हैं, समझ जाती है कि भेजा तो कृष्ण नहीं है, कपड़े देखकर समझ जाती है, सुगंध से समझ जाती है। तो बैठाती है पहले तो उद्धव जी बैठते हैं, फिर कहती है कि ये कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं। अब वो गुस्सा भी तो है ना कि भगवान आ नहीं रहे, तो ताने भी दे रही है। तो वो कहे कि कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं। बोले, हाँ तुम्हें कैसे पता? बोले, दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के सारे वस्त्र अब सोने के हैं, राजा है ना वहां, यहां तो राजा नहीं थे, इतना सोना भगवान यहां कहां पहनते थे, ग्वाले थे। तो गोपियां कहती है कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राजा बन गए हैं। उद्धव जी कहते, तुम्हारे लिए संदेश भेजा है,
बोले कैसा संदेश, कि तुम ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। अरे वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं, उसकी आंखें नहीं, उसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं। गोपियां हंसने लगी। उद्धव जी कहते हंस क्यों रही हो? अरे बोले आंख नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी, हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था, अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। पर गोपियां कहती है क्या कहा, मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। बोले हाँ। बोले आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है, तो एक बात बताइए मन कितने होते हैं, बताओ मन कितने होते हैं? उद्धव जी कहते एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब कहीं और लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। कृष्ण से कहो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा देंगे। फिर पीछे से गोपी आती है, और चलो अगर हम सोचे भी तो हमें फायदे भी तो पता होने चाहिए, ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा? उद्धव जी तो बोलते कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, सबको चाहत है स्वर्ग की। गोपियां कहती हम ठोकर मारते हैं इसे स्वर्ग। अगर आप कहे कि कृष्ण प्रेम से दूर होने से हमें स्वर्ग मिलेगा, हम ठोकर मारते हैं इसे स्वर्ग को। अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, तो हम जन्मों जन्मों नरक में रहने को तैयार। उद्धव जी कहते हैं अभी तो बड़ा कह रही थी कि वो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, वो राजा बन गए हैं, यानी उसको ताना दे रही थी, अब उसी के लिए कह रही हो? गोपियां कहती है यही तो प्रेम है। प्रेम क्या है? कि प्रेमी को छोड़ सकते हैं, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते। तो गोपियां कहती है कि कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए, कि वो पास नहीं है ये सहन कर सकते हैं पर उसकी बात ना करे ये सहन नहीं कर सकते, उसी पे तो जिंदा है, आज उसकी बातें भी बंद हो जाए तो हम जिंदा ही ना रहे। और गोपियां कहती है हमें पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, हम पागल लग रहे हैं ना, कि कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, पूरी दुनिया को पागल लगते हैं। और असलियत बताएं उद्धव जी, हमको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है, हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानते हैं।